हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम कॉम्पिटेटिव परीक्षा। मेरा नाम है हरीश और मैं आप सभी का इस स्टडी सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पे सुप्रीम सीपी करके अगर आप लिखते हो तो डायरेक्टली वो फॉरवर्ड कर देगा हमारे चैनल पर। इस चैनल पर हम लोग जो है डेली जो एग्जाम रिलेटेड मटेरियल्स होते हैं, पीडीएफ्स वगैरह, वो शेयर करते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए बचत खाता योजना यानी भविष्य शुरू की? विच बैंक लॉन्च भविष्य सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर माइनर्स एज बिटवीन 10 टू 18 इयर्स? तो जो है ये स्कीम लॉन्च करने वाली जो बैंक है उसका नाम है फिनो पेमेंट बैंक। इन्होंने जो है 10 से 18 वर्ष की एज के माइनर्स के लिए जो है सेविंग अकाउंट स्कीम यानी कि बचत खाता योजना चालू की है। यह स्कीम इसलिए लॉन्च की गई कि जो बच्चे हैं उनमें बैंकिंग और बचत की आदतों का विकास हो सके। इनके एमडी और सीईओ है ऋषि गुप्ता फिनो पेमेंट बैंक के। इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इनकी टैगलाइन, ओके, बैंक की टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है। इनकी टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की, फिनो पेमेंट बैंक टैगलाइन। यस बैंक के जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। इनके सीईओ हैं प्रशांत कुमार। 6 मार्च 2020 से वो जो है अपनी सेवा में कार्यरत हैं प्रशांत कुमार जी। और इनकी टैगलाइन है इस बैंक की एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज, यस बैंक टैगलाइन। फेडरल बैंक, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनके सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। सितंबर 2017 से ये जो है सेवा में कार्यरत हैं। इनका हेडक्वार्टर है इस बैंक का अलुवा कोची केरला में और इस बैंक की टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ICICI बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनके जो सीईओ हैं वो है संदीप बख्शी जी। इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इनकी टैगलाइन है हम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे स्टेट के चीफ मिनिस्टर का नाम पूछा जा रहा है, लॉन्च द महाजॉब पोर्टल एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू लोकल रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट बाय कनेक्टिंग जॉब सीकर्स विद एम्प्लॉयर्स। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नौकरी चाहने वालों को नियुक्तियों के साथ जोड़कर राज्य के स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महाजॉब पोर्टल के एक ऑनलाइन मंच का लॉन्च किया? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये है महाराष्ट्र के सीएम श्री उद्धव ठाकरे जी, ओके, उन्होंने जो है महाजॉब वेब पोर्टल लॉन्च की है। तो इसका आंसर है बी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। तो वहां के जो लोकल रेसिडेंट्स है उनको रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इस पोर्टल में जो जॉब सीकर्स होंगे, मतलब जिनको जॉब चाहिए होंगे, वो डायरेक्टली कनेक्ट होंगे एम्प्लॉयर्स के साथ, यानी जिनको जॉब करने वाले लोग चाहिए उनके साथ डायरेक्ट। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको जो है अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि अधिवास प्रमाण पत्र वहां पे सबमिट करनी होगी। राष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MIDC की तरफ से जो है पोर्टल चलाया जा रहा है। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लॉन्चेस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनोवेटिव सर्विस लिबर्टी एश्योर। हु इज द सीईओ ऑफ लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस? लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने अपनी तरह की पहली अभिनव सेवा लिबर्टी एंश्योर की शुरुआत की। तो पूछा जा रहा है कि लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो ये है रूपम अस्थाना। यहाँ पे आप उनको देख पा रहे हो, रूपम अस्थाना सीईओ एंड होल टाइम डायरेक्टर लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस। तो ये जो है मोटर कार इंश्योरेंस के कस्टमर्स जो इस सेवा का लाभ उठाते हैं उन्हें हर क्लेम के लिए अभी जो कंपलसरी डिडक्टिबल कॉस्ट यानी कि अनिवार्य कटौती लागत होती है उसका भुगतान अभी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई लॉस या एक्सीडेंट वगैरह यहाँ पे हो जाता है तो कोई भी चार्ज वगैरह यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा उनको। बाकी ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शिखा शर्मा जी, ये सीईओ है एक्सिस बैंक की। आदित्यपुरी, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है HDFC बैंक यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के। संजय अग्रवाल जी, ये है MD AU स्मॉल फाइनेंस बैंक संजय अग्रवाल। इंतजार आपका। कंपेन इज स्टार्टेड बाय विच स्टेट ओवर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू अट्रैक्ट टूरिस्ट विथ टैगलाइंस एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टूरिज्म डेस्टिनेशंस ऑफ द स्टेट?
इंतजार आपका अभियान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस राज्य द्वारा पर्यटकों को टैगलाइन और राज्य के पर्यटन स्थलों के वर्णन के साथ आकर्षित करने के लिए शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मध्य प्रदेश टूरिज्म इंतजार आपका कंपेन इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। तो एमपीटीबी यानी कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड एमपीटीबी इनके द्वारा जो है इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया, टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए इस अभियान को जो है स्टार्ट किया। एमपी के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान, इनकी कैपिटल है भोपाल और इनके गवर्नर हैं लालजी टंडन। ये गवर्नर कैपिटल मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाते हैं, राइट। स्पेशली जो आरआरबी की जो एग्जामिनेशन आने वाली है रीजनल रूरल बैंक की, इन एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, इसलिए मैं बार बार इसको आपको बता रहा हूँ। राजस्थान इनके सीएम है मिस्टर अशोक गहलोत, इनकी कैपिटल है जयपुर और इनके गवर्नर है कालराज मिश्रा। 2019 से जो है राजस्थान के गवर्नर है कालराज मिश्रा। गुजरात इनके सीएम है मिस्टर विजय रूपानी, इनकी कैपिटल है गांधीनगर गुजरात की और इनके गवर्नर है अकारिया देवव्रत। पंजाब के जो सीएम है उनका नाम है अमरिंदर सिंह, इनकी कैपिटल है चंडीगढ़ और इनके गवर्नर है वीपी सिंह बंदोरे। टू मार्क द 100th ईयर ऑफ इंडियन पार्टिसिपेशन इन द ओलंपिक गेम्स द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एडॉप्टेड अ न्यू विजुअल आइडेंटिटी। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो है नरेंद्र ध्रुव बात्रा बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये जो लोगो आप देख पा रहे हो ये लोगो टीम इंडिया के प्रति पूरी दुनिया में एथलीटों और अधिकारियों के योगदान का जश्न बनाता है। बाकी के ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। चंद्रमौली कुमार प्रसाद ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। आशीष कुमार चौहान ये एमडी एंड सीईओ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। विजय केशव गोखले ये 32वें फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रह चुके हैं और इंडियन डिप्लोमेट भी ये जो है विजय केशव गोखले। Which bank in India has joined hands with Star Health and Allied Insurance Company Limited for bank assurance? किस बैंक ने बैंक इंश्योरेंस के लिए Star Health and Allied Insurance Company Limited के साथ हाथ मिलाया है? तो ये बैंक है करूर वैश्य बैंक। तो इस बैंक ने एक कमर्शियल बैंक है। इसका मोटिव है बैंक द्वारा जीवन बीमा पॉलिसी यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस और अन्य बीमा उत्पाद होते हैं उसकी बिक्री करना है। बैंक का इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए बैंक का इंश्योरेंस स्पेशली होता क्या है, सपोज कि मान लो कोई एक बैंक है, राइट। बैंक में आपको पता है बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं डेली के, राइट, डेली अकाउंट ओपनिंग्स वगैरह होती है। बट अगर हम इंश्योरेंस कंपनी को देखें तो इंश्योरेंस कंपनी में जो है डेली कस्टमर्स यहाँ के इनके नहीं होती है। तो इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली ये करती क्या है, ये जाती है बैंक के पास, जो बैंक होते हैं उनके पास जाती है और ये इनको इनके जो कस्टमर्स होते हैं बैंक के, राइट, बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं उनको बैंक को बोलती है कि हमारे जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उनको कस्टमर्स को वो बैंक जो है बेचे। तो यहाँ पे जो है इंश्योरेंस कंपनी कुछ प्रॉफिट वो बैंक वालों को भी देता है और जो है बाकी का प्रॉफिट खुद कमाते हैं, राइट। मतलब यहाँ पे जो है बैंक को भी फायदा होता है, वो कंपनी को फायदा होता है और उनके जो कस्टमर्स होते हैं बैंक को उनको भी फायदा होता है। ये होता है बैंक का इंश्योरेंस। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्चेस सेल्फ स्कैन ऐप डेवलप बाय द स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एज एन अल्टरनेटिव टू स्कैम स्कैनर? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैम स्कैनर के विकल्प के रूप में राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया? तो ये स्टेट है वेस्ट बंगाल। यहाँ पे आप देख पा रहे हो वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी लॉन्चेस सेल्फ स्कैन ऐप। जो कैम स्कैनर था, राइट, जो अभी अभी इंडिया में जो है रेस्ट्रिक्ट किया गया उसके बदले में सेल्फ स्कैन को लॉन्च किया गया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, इनकी कैपिटल है रांची
कर्नाटका इनके सीएम है वाईएस येदुरप्पा, इनकी कैपिटल है बेंगलुरु, और उत्तर प्रदेश इनके सीएम है योगी आदित्यनाथ, इनकी कैपिटल है लखनऊ। हु हैज बीन रैंक फर्स्ट इन वर्ल्ड रैंकिंग्स ऑफ मेन्स इलाइट ऑफ 52 केजी वेट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड रैंकिंग 2020 रिलीज बाय इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA। द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा जारी किए विश्व रैंकिंग 2020 के अनुसार पुरुषों की कुल 52 किलोग्राम भार वर्ग की विश्व रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान दिया गया है, तो यह दिया गया है अमित पंगल को, अमित पंगल। तो AIBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने महिला और पुरुषों की मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग के विश्व रैंकिंग 2020 रिलीज की है। अमित पंगल ये जो है 24 साल के, इन्होंने ये जो है प्रथम स्थान यहाँ पे हासिल किया। मंजू रानी ने जो है 48 किलोग्राम में महिलाओं की रैंकिंग में सेकंड प्लेस हासिल किया है मंजू रानी ने। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।